एक बड़ी खबर है, कांस्टेबल प्रहलाद सिंह निधन मामला। परिजनों और पुलिस अधिकारियों में वार्ता, परिजनों से हुई बातचीत में परिजनों ने जताई सहमति, अब कुछ देर में शव ले जा सकते हैं परिजन। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से असहमति बनी होती लेकिन अब सहमति बन गई। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह निधन का ये मामला, परिजनों और पुलिस अधिकारियों में वार्ता, परिजनों से हुई बातचीत में परिजनों ने जताई सहमति, अब कुछ देर में शव को ले जा सकते हैं परिजन। तो बदमाशों ने गोली मार दी थी जिस दौरान, उसके बाद ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन सफल भी कहा जा रहा था, लेकिन वो देखरेख में थे, लेकिन इस दौरान इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के निधन का ये मामला है। परिजनों और पुलिस अधिकारियों में वार्ता हुई, परिजनों से हुई बातचीत में परिजनों ने सहमति जताई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं सहयोगी सचिन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब सहमति बन गई है, आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए, 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद में जो है परिजनों से सहमति बनी है, अधिकारियों के साथ में जो सहमतियां हैं वो बन गई है, सहमति बनी है। 13 सूत्री मांगों पर हमने पहले भी सभी को बताया था, सभी दर्शकों को बताया था कि जो सहमति है वो शहीद का दर्जा जो है, देखिए शहीद का दर्जा नहीं मिल पाएगा, लेकिन शहीद के जो सम्मान है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। पुलिस विभाग जो शहीद दिवस मनाता है उस दिन इनका भी सम्मान है वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। और अब जो है वो अरुण चतुर्वेदी है जो भाजपा नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे मामले का फीडबैक भी लिया है। फीडबैक लेने के बाद में जो है अब जो है परिजनों से सहमति बनी है। देखिए, सीएम ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले घोषणा भी कर दी थी कि 1 करोड़ रुपए की आजीवन जो पेंशन है उसकी, उसके साथ साथ में जो उनके नौकरी है, द्वितीय ग्रेड की जो नौकरी है उनकी वाइफ को दी जानी चाहिए थी वो कांस्टेबल प्रहलाद के, उसकी जो घोषणा है वो कुछ देर पहले सीएम ने कर दी थी। इनकी मांग थी कि लिखित में दिया जाए, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि जब खुद सीएम बोल रहे हैं तो वो लिखित में ही, आप लोग मान सकते हैं कि लिखित में ही ये चीज है, तो अब कह सकते हैं कि परिजन यहाँ से शव लेकर कुछ देर में 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो परिजन है वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं, शव को लेकर दौसा पहुंचेंगे। दौसा में जो है वो विधिवत रूप से कहा जा सकता है कि दाह संस्कार किया जाएगा, और आज मुश्किल है ऐसा बताया जा रहा है कि आज तो दाह संस्कार नहीं हो पाएगा, लेकिन कल जो है वो कल दाह संस्कार हो पाएगा। और उसके बाद में जो सहमति है वो तो बन चुकी है, उसके बाद में जो घोषणा पत्र है वो भी यहाँ पर सीएम को सौंप दिया गया, अधिकारियों को सौंप दिया गया। आला अधिकारी जो यहाँ पर राजीव प्रचार है, राहुल प्रकाश है, वो यहाँ पर मौजूद थे, और अरुण चतुर्वेदी भी जो भाजपा नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने पूरा फीडबैक ले लिया है, अब वो भी पूरा इसका समर्थन में है। जी ठीक है सचिन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, मोर्चरी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अब सहमति बन गई है, यहाँ से शव को ले जाया जाएगा उनके गांव, और वहां पर क्योंकि आज अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा कांस्टेबल का। परिजनों और पुलिस अधिकारियों में वार्ता हुई, वार्ता सफल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से ऐलान किया उसके बाद लोगों में एक भरोसा जगा, और उसके बाद ये तमाम परिजन मान गए हैं।